इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से है, जहां इटावा आरपीएफ पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। चार अन्य साथी हुए फरार। सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन के पार्सल कोच से साड़ियों के बंडल को किया था चोरी। यह सभी साथी चोर टूडला से चढ़कर कानपुर आउटर के बीच घटना को देते थे अंजाम। गिरफ्त में आए साथी चोर के पास से साड़ियों व कपड़े के बंडल को किया बरामद। पकड़े गए चोर के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। अन्य की तलाश में जुटी इटावा आरपीएफ। इटावा रेलवे स्टेशन के आरपीएफ पुलिस ने किया गिरफ्तार, जांच पड़ताल शुरू। आपको बता दें, ट्रेन में हुई चैन पुलिंग के दौरान यह चोर उतर कर जा रहे थे, तभी आरपीएफ पुलिस ने मौके से एक चोर को पकड़ लिया। चोरी का माल जिसके पास से बरामद हुआ है, वहीं बताया जा रहा है यह चोर टूडला से चढ़कर कानपुर आउटर के बीच घटना को अंजाम दिया करते थे। विकास कुमार नाम के एक व्यक्ति को कल हमने रेलवे के जो मेल एक्सप्रेस चलती है उनके जो SLR में से माल चोरी करते हैं उसको हमने कल पकड़ा है। इसके विरुद्ध रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्रवाई की गई है। उसके साथ उसके 3-4 व्यक्ति साथी और थे जो मौके से भागने सफल हो गए, उनके लिए दबिश दी जा रही है। पकड़े गए व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर उसे आज अलीगढ़ न्यायालय ले जाया गया, जहां उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या सामान चोरी किया था इन लोगों ने? उसमें जो रेलवे में जो लीज का सामान था वो चोरी किया था, उसमें साड़ियां वगैरह थी। कितनी बरामदगी है? बरामदगी तो लगभग पूरी है, बाकी अभी जाँच के दौरान थोड़ा सा सूरत, क्योंकि माल सूरत से बुक हुआ था और मुजफ्फरपुर पहुँचना था, तो सूरत और मुजफ्फरपुर में जो जांच की जाएगी उसके बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि कितना चोरी हुआ है, कितना शेष। ये कौन सी ट्रेन में घटना को अंजाम? ये सूरत मुजफ्फरपुर थी 90-53, इसमें ये व्यक्ति टूडला से चढ़े थे। मोस्टली इनका उतरने का जो रहता है वो कानपुर के आसपास रहता है, जहाँ गाड़ी स्लो होती है इंटर होते समय। कल तो बाईदा में उस गाड़ी में गेट नंबर 25 के पास चैन पुलिंग हो गई थी, तो ये लोग अपना ऑपरेशन पूरा कर चुके थे, इसीलिए वहाँ पर उतर के जा रहे थे। हमें चैन पुलिंग की सूचना मिली थी, तो हम चैन पुलिंग पर मैंने एक सब इंस्पेक्टर, एक ASI और 2 स्टाफ को भेजा था मौके पर। तो चैन पुलिंग करने वाले कोच से तो कोई नहीं उतरा, पीछे से ये व्यक्ति बैगों में कुछ माल भरकर जाते हुए दिखाई दिए, तो इनको घेर कर पकड़ा। क्योंकि ये संख्या बल में 3-4 लोग थे, हमारे 3-4 थे, लेकिन ये मौके हमारी स्टाफ की गिरफ्त से काफ़ी दूर थे, इनमें से एक ही व्यक्ति को पकड़ पाए, बाकी के लिए दबिश जारी है। क्या जानकारी मिली जो साथी फरार हुए हैं, कहाँ के रहने वाले? मोस्टली टूडला के आसपास के, और टूडला के आसपास के रहने वाले।